वक्त बीत जाए तो लोग किसी को भी भुला देते हैं, यहाँ बेवजह लोग अपनों को रुला देते हैं। अरे जिस दिए ने रात भर रोशनी दी, लोग सुबह उठते ही उसे भी बुझा देते हैं। लेकिन जिस इंसान ने हमें भुला दिया, जिस इंसान ने हमें पराया कर दिया, उसको इस बात की भनक तक नहीं होती कि उसके बाद हमारी जिंदगी कितनी दर्दनाक हो जाती है। उसकी बातें, उसकी यादें हमारे जहन से भुलाए नहीं भूलती। जब भी उसकी याद आती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, दिन में चैन नहीं आता, रात को नींद नहीं आती, भूख प्यास किसी भी चीज का एहसास नहीं रहता, बस उसकी यादों में खोए हुए रहते हैं और वो दर्द अंदर महसूस करते हुए पड़े हुए रहते हैं। तो दोस्त, अगर तुम्हारी भी यही सिचुएशन है तो ये वीडियो खास के तुम्हारे लिए है। बट एक प्रॉमिस करो कि चाहे वीडियो जैसा भी लगे, इसको पूरा देखोगे, और मेरी बातें 1% भी अगर अच्छी लगी ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, ठीक है। एक इंसान जिसके साथ हमने 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल गुजारे हैं, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है अपने दिमाग में कि उसको भूलने के लिए भी कम से कम 2-3 महीने तो लगेंगे। 1 या 2 दिन पहले वो आपको छोड़ के गया है और आप आज ही उसके यादों के जंजीर से मुक्त होना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है। लेकिन ये जो 2-3 महीने का टाइम मैं बोल रहा हूँ ना, ये 2-3 महीने में आप कर क्या रहे हैं, यही डिसाइड करता है कि आप 2-3 महीने बाद जाके सुखी होंगे या अभी जैसे हैं वैसे ही होंगे, या फिर इससे भी खराब सिचुएशन रहेगा आपका। तो जो जो मैं बोलूँगा ना, उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा, एंड दिल से दुआ है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। दिल से जितने भी नए सब्सक्राइबर आए हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करने लायक समझा। ये जो 2-3 महीने मैं बोल रहा हूँ ना, इस 2-3 महीने में एक चीज़ जो मैं चाहूँगा कि आप रोज़ सुबह करें, वो है प्रेयर्स, प्रार्थना, दुआ। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, आप जिसको भी मानते हो, हर रोज़ सुबह उठ के एक प्रेयर करें कि ईश्वर, मैं मुझे शक्ति दे, मुझे हिम्मत दे इस सिचुएशन से डील करने की। या फिर अगर आप किसी एनर्जी में मानते हो तो पॉजिटिव बातें करें अपने साथ कि मैं ताकतवर हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं इस सिचुएशन से डील करना जानता हूँ, मैं खुश रहूँगा, मैं झुकूँगा नहीं। आज हो सकता है कि मेरा समय ख़राब है, लेकिन कल मेरा वक्त अच्छा आएगा और उसकी यादें मुझे रुला नहीं पाएंगी। देखो, एक बात अच्छे से समझो कि किसी को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? उसको ज़बरदस्ती भूलने की कोशिश करना। अगर आप उसको भूलने की कोशिश कर रहे हो ना, इसका मतलब आप उसे याद कर रहे हो। आप उसको कभी भूल नहीं पाओगे वैसे। तो करना क्या है? करना है कि उसको भूलने का कोशिश नहीं करना है, उसकी यादों को आने देना है। तो बदलना क्या है? बदलना ये है कि जब उसकी याद आ रही है, तब जो दर्द आप महसूस कर रहे हो, वो दर्द ना हो, बस एक खूबसूरत सा एहसास हो। ये कैसे करना है? तो पहले तो आपको अपने दिल में इस चीज को बिठा लेना है कि आप उन बहुत कम लोगों में से एक आदमी हैं या एक इंसान, एक औरत हैं, जिसको चाहे 1 दिन के लिए हो, 1 साल के लिए हो, या 10 साल के लिए हो, सच्चे प्यार को फील करने का मौका मिला। उस खूबसूरत एहसास को जब भी उसकी याद आए, तो बस उस खूबसूरत एहसास के बारे में सोचिए कि आपको वो मौका मिला था। क्योंकि यहाँ पे करोड़ों ऐसे लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी प्यार के लिए तरसते हैं, उनको प्यार, सच्चा वाला प्यार नहीं मिलता। लेकिन आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आपको वो नसीब हुआ। तो जब आप ऐसे सोचेंगे ना, तो ज़बरदस्ती उसको भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी याद आएगी तो आप खुश हो जाएंगे। आपको एक खूबसूरत एहसास, उन पलों को, उन टाइम को आप दोबारा जिएंगे अपने दिल में या अपने दिमाग में। तो पेन, दर्द, ये बंद हो जाएगा जब भी उसकी याद आएगी। आप एक चीज़ जानते हैं कि हमारे इस हाथ में अगर मच्छर काटता है, तो हम इमीडिएटली यहाँ पे खुजाना स्टार्ट करते हैं, और वही मच्छर उड़ के आके इस हाथ में काटता है, तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन इधर चला जाता है और इस हाथ में जो दर्द हुआ था उसको हम भूल जाते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ करना है।
प्यार के अलावा हम सबकी लाइफ में और भी कई सारे पेन पॉइंट हैं, दर्द हैं, और भी कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमें काम करना चाहिए, लेकिन हम उसकी यादों में इतने डूबे हुए रहते हैं, इतने खोए हुए रहते हैं, इतने गमगीन रहते हैं कि हम भूल जाते हैं उन सब चीज़ को। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये प्यार के अलावा आपको और लाइफ में और ऐसा पेन पॉइंट क्या है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है? हो सकता है वो मनी हो, पैसा। तो आप अपने करियर में, अपने जॉब में फोकस कीजिए, या फिर अपने बिजनेस में सोचिए कि उसको कैसे ऊपर ले जा सकते हैं आप। अगर आपका पेन पॉइंट आपका हेल्थ है, आपकी बॉडी है, तो जिम ज्वाइन कीजिए, और जिम ज्वाइन करके वहाँ पे अपने बॉडी को सुधारिए, कोशिश कीजिए उसको वहाँ पे अपने आपको ज़्यादातर टाइम बिजी रखने का। अगर आपका पेन पॉइंट आपका फैमिली है, तो फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। जो रिश्ते खराब हो रहे थे उनको वापस से अच्छा करने का कोशिश कीजिए। अगर आपका पेन पॉइंट आपका आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो आपसे बिछड़ गए हैं, जिनको आपने टाइम नहीं दिया, जिनको आपने अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की वजह से एकदम उनका रिश्ता आपसे टूट चुका है, तो वहाँ पे टाइम दीजिए, उन लोगों से वापस से ताल्लुकात बनाइए अपना, लेकिन खुद को बिजी रखिए दूसरी जगह पे। और जब उसकी याद आए तो बस जैसे उसने आपको हंसकर भुला दिया, आप भी उसे मुस्कुरा कर भुला देना, और देखना 2-3 महीने बाद आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा। आप बिल्कुल उसके यादों के दर्द से, उसके यादों के दुख से बिल्कुल पूरा मुक्त हो जाओगे। बस 3 महीना ऐसा करना है, और एक दिन वो आके खुद बोलेगा कि तूने मुझे भुलाया कैसे। आप जवाब देना क्यों। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके एक बताइए, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। शुक्रिया।